वेलकम टू फ्यूचर न्यूज। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सत्ता और औपबंधिक। आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्रथम हमारे पास कलम है वो 44 नंबर का है 100 में से। अब देखो आप लोग 100 नंबर में से अगर 44 नंबर की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, सत्ता औपबंधिकता इंटीग्रेशन को इन चीजों में समझाएंगे तो आज मैं आप लोगों को बता दूं सत्ता। सत्ता का आखिर मतलब क्या होता है? किसी वक्र का बिना रुके या बिना टूटे आगे बढ़ते रहना। अगर मैं कौन से तत्व का मतलब क्या है कि कोई भी वक्र अगर वो बिल्कुल कंटिन्यूटी चल रहा हो, लगातार चल रहा तो वो क्या है? सतत है। जैसे कि मैं अगर बात करूं ये वक्र है सतत है, ये वक्र असतत है क्योंकि बीच में टूट गया ना। वो आप लोग ध्यान दो कि बीच में टूट गया तो जो असतत वक्र क्लियर, जो बीच में क्रॉस होगा तो वो असतत वक्र होगा। इस बात को मैं समझ सकते हो तो क्लियर होगा। अब इसकी अगर मैं मैथमेटिकल की परिभाषा करूं यानी मैथ के अकॉर्डिंग में अगर मैं चीज हूं तो आप लोग ध्यान रखोगे मैथ में कैसे करोगे आप लोग इसे, जो मैथ में करोगे आप लोग इसको देखो ध्यान से। मैथ में आप लोग एल एच एल आर एच एल और एफ ए तीन पॉइंट चेक करोगे अगर बराबर है क्या हुआ सतत है, अदरवाइज नहीं। अगर एलएचएल आरएचएल और एफई तीनों बराबर हैं तो आपका प्लान जो होगा सतत होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर बात? अब आप लोग ध्यान दो एलएचएल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, आरएचएल का मतलब क्या होगा राइट हैंड लिमिट। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ए टू जेड एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्वेश्चन में किस किस तरीके से आंसर निकलते हैं। देखो आप लोग ध्यान से देखियो, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस दो और एक्स बराबर दो पर सत्ता की जांच करनी। तो आप लोग क्या करोगे, आप पहले एल से निकाल लोगे, एल से मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करोगे, सॉरी एक्स टेंड्स टू दो माइनस करोगे, एफ एक्स रखोगे, फिर आप क्या करोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रखोगे और एक्स भी क्या रखोगे दो माइनस और आप फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 होने के बाद x की जगह रिप्लेस कर दोगे 2 माइनस x का वर्ग माइनस 4 बटे 2 माइनस x माइनस 2, इससे कैलकुलेट कट जाएगा और जो ऊपर बचेगा वो कितना बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 वर्ग बोल दोगे 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4 h माइनस 4 बटे में कितना बचेगा माइनस 4 4 कैंसिल माइनस से माइनस करने के बाद देखो आप लोगों का आपका आंसर बचेगा कितना लिमिट को। अब दूसरी बात ध्यान से आरएचएल की अगर बात करो तो आरएचएल में क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस कितना होगा 2 प्लस, यहां होगा एफएक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच और जैसे आप मान रखोगे तो मान रखने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4 2 प्लस एच माइनस 2 कैंसिल कैंसिल और आपका आंसर कितना 4।
और अब आप x x की जगह डायरेक्ट दो रखो, x की जगह डायरेक्ट कितना रखो, दो रखो, जैसे ही आप दो रखोगे तो कितना जाएगा, 4 - 4 बटे 2 - 2 क्या हुआ, आता है यह x बराबर, सॉरी आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, पहले x - 2 x + 2 रख के x - 2 कट कर दोगे, कितना जब तीनों के तीनों इक्वल है, देखो आप चार देखो चार देखो चार देखो, अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, सत्ता है, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो ये सत्ता नहीं होगी, क्लियर पॉइंट। यानी सत्ता सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर निर्भर करती है, कि एल एच बराबर आर एच एल और बराबर एफ ए होना चाहिए, अगर तीनों पॉइंट मिल गया आपको तो क्या होगा, सत्ता होगा, अदरवाइज नहीं। बेसिक फॉर्मूला अगर आप किसी भी सिंपल क्वेश्चन निकालना चाहते हो, सिंपल पहले निकालना चाहते हो, तो आपको है ना कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आप लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच का मान कितना होता है, ए। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान से है, लिमिट एच टेंस टू 0 टेन एच बटे एच कितना होना चाहिए, एक। तीसरा पॉइंट रहा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन इनवर्स एच एच बटे एच का मान कितना होगा, एक। चौथा पॉइंट भी आप याद रखो, लिमिट एच टेंस टू 0 टेन इनवर्स एच बटे एच का मान कितना होगा, एक। पांचवा फॉर्मूला आपको क्या रखना, लिमिट एच टेंस टू 0 e पावर h - 1 / h का मान कितना होगा, ए। छठा फॉर्मूला आपको याद रखना, लिमिट एच टेंस टू 0 e पावर h - 1 / h का मान कितना होगा, लोग ए। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिक बेसिक फॉर्मेशन के आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आपको लिमिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखने को सकते हैं, याद करने को।